दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस बटन को दबाकर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी ही वीडियोस रोजाना देखना चाहते हैं तो इस बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप देख सके वीडियो सबसे पहले। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाए, जिस शख्स में भी झूठे बर्तन यानी के बगैर धुले हुए बर्तन रात भर रहते हैं तो ऐसे घर में क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाए रात में झूठे बर्तन छोड़ना कैसा है। तो आज के इस वीडियो में काफ़ी लोगों की गलत फहमी होती है, काफ़ी हमने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं कि रात को झूठे बर्तन धो लेने चाहिए, उसे हमें कभी भी रात भर नहीं छोड़ना चाहिए। तो क्या ये सही है या फिर गलत है, आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक मर्तबा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक औरत आई और आकर के दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज़ करने लगी, या अली मेरा एक सवाल है। तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाए, ए औरत पूछो क्या पूछना चाहती हो, आज तक मैंने कभी भी कोई सवाल से अपना रुख नहीं मोड़ा, पूछो जो पूछना चाहती हो। तो औरत कहने लगी, या अली हमारे घर में तंगदस्ती है, रिक्स नहीं है, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें भुला दिया है। बस ये कहना था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाए, ए औरत क्या तुम ये गलती तो नहीं करती। तो औरत कहने लगी, या अली वो कौन सी गलती है। तो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाए, ए औरत क्या तुम रात को झूठे बर्तन छोड़कर सो जाती हो। वो औरत कहने लगी, ए मेरे मौला मैं ऐसा ही करती हूँ। बस ये सुनना था कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाए, ए औरत मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि रात को अल्लाह तबारक व ताला रिज़्क़ के फरिश्ते भेजता है, जब सारे ही लोग सो जाते हैं तो सभी लोगों के घर में वो फरिश्ता चक्कर लगाता है और रिज़्क़ बांटने के लिए घर के कोने कोने में जाता है, लेकिन जिस घर में झूठे बर्तन होते उस घर में तो दाखिल होता है लेकिन उन बर्तनों को देखकर वो वापस चला जाता है। ए औरत याद रखना, अगर तुम ऐसा करती हो तो ऐसा करना छोड़ दो, क्योंकि इससे दुनियावी और आखिरती दोनों ही नुकसान है। तुम्हें अल्लाह का रिज़्क नहीं अता होगा, तुम्हें गैब से रोज़ी नहीं मिलेगी, और अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे घर में ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी जिसका इलाज होना नामुमकिन है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों 1400 साल पहले हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस बात को कह कर गए थे, लेकिन आज आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं या फिर किसी भी साइंस से पूछ सकते हैं कि रात को झूठे बर्तन छोड़ने के क्या नुकसान है। दोस्तों इसके बहुत सारे नुकसान हैं, काफ़ी लोग आपको ये भी कहेंगे कि जो झूठे बर्तन होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे कीटाणु पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होते हैं, जिससे कि हमें बहुत सी बीमारियों का रोक करना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिस तरह से फरमा कर गए हैं हमें वैसा ही करना है, इससे हमें दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी फ़ायदा मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, काफ़ी लोगों की ऐसी गलत फहमी होती है और काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे, तो उन तक इस वीडियो को पहुँचा कर सबाब के मुस्तैक बनिएगा। दीन की बात फैलाना सदक़ा जारिया है, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस रोज़ाना देखने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।